फड़ फड़ अस्सलामु अलैकुम सियालकोटियो, की हाल है? ठीक हो? वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले व्लॉग में भी बताया था कि मेरा लाइव आने का यही मिशन है कि हर बंदा अपना बिजनेस, हर बंदा अपना कारोबार करे। और अगर आप अपना बिजनेस कारोबार और इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ेगी, तहज्जुद की नमाज पढ़नी पड़ेगी और सूरत वाकिया की रोज़ाना 2 से 3 बार तलावत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आपका फ़ायदा है। ठीक है, ये मैं आपको कामयाब होने के तरीके बता रहा हूँ। तो अगर आप नमाज और तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ना शुरू कर दें और सूरत वाकिया की 3 से 2 मरतबा तलावत ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको 40 दिन के अंदर अंदर गारंटी के साथ रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैं रिज़ल्ट नहीं दूंगा, ये अल्लाह ताला की ज़ात रिज़ल्ट देगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पे ज़रूर अमल करें, इसमें आपका दुनिया में भी फ़ायदा है और आखरत में भी फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, ये गुड मैसेज है, इसको आगे भी शेयर करें। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, दुबई का एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। दुबई में एक पाकिस्तानी डिलीवरी बॉय था, ठीक है, वो जा रहा था चौक के अंदर, ब्लॉक पड़े थे, ठीक है, रोड के दरमियान, उसने वो ब्लॉक उठा के साइड पे कर दिए। ठीक है, अल्लाह को वो नेकी उसकी इतनी पसंद आई कि उसको दुबई गवर्नमेंट ने बुला कर 12 लाख दिरहम उसको इनाम दिया और आज वो दुबई में अपना बिजनेस, अपना कारोबार कर रहा है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी नेकियाँ ज़रूर किया करें क्योंकि ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ठीक है दोस्तों, आप आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मैंने होटल वालों का सामान तोल दिया है, ठीक है, 2 होटल वाले सामान ले चुके हैं, लेके जा चुके हैं। ये वाले भाई सब अपना सामान लेने के लिए आ चुके हैं, इन्होंने लिया है 250 का बेसन और 2 जगह 3-3 पाव मैदा और अब ये जाके बनाएंगे पकौड़े। ये देखें दोस्तों, हमारी दुकान के सामने पठान है, वो कंबल लेके आ चुका है, लेकिन अभी सर्दियाँ नहीं आई तो ये कंबल लेके आ चुका है। जनाब क्या बात है, पठानों की अंदर 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 चल आइया बशीर, आइया तू आइया। फड़ फड़ दोस्तों, पेप्सी वालों से हमारा सामान आ गया। हमने रेगुलर ड्यू लिया एक और एक रेगुलर स्टिंग लिया, ठीक है,
एक गाड़ी वाले भाई। तो दोस्तों दोपहर के 1:30 का टाइम हो चुका है और मैं घर में आया हूँ दोपहर का खाना खाने के लिए। आजकल खाना घर में मामा बना रही हैं, ठीक है। सुबह नाश्ता, दोपहर का और शाम को डिनर वगैरह, ठीक है, सब मामा रेडी कर रही हैं आजकल। तो मैं दिखाता हूँ कि आज मेरी मामा ने क्या बनाया। ये देखें जनाब, ये आ गया पुलाव, बिरयानी नहीं है, पुलाव है। और ये आ गया जनाब जी, ये मेरी अम्मी ने बनाया है। ये पता नहीं क्या है, कुछ नहीं पता, दलिया है शायद, क्या ही है, साबुदाना है। ये देखें, पर मैंने उनको बोला है मैंने नहीं खाना। अम्मी ने कहा अगर बढ़िया पुलाव खाना है तो ये आपको लाजमी खाना पड़ेगा। तो खाते हैं, बताते हैं आपको किसका टेस्ट कैसा है, ठीक है दोस्तों। देखें ये साथ रायता आ गया जनाब, रायता। तो अभी मैं आपको खा के बताता हूँ कि मामा ने ये पुलाव कैसा बनाया है, टेस्ट करते हैं। बहुत नॉर्मल मसाले हैं, ठीक है, नमक मिर्च, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। पुलाव हो तो ऐसा हो, स्पाइसी पुलाव का मज़ा नहीं आता, बिरयानी स्पाइसी हो तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको इंजॉय करते हैं और वापस दुकान पे जाके अगली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। अब रायता डाल के भी चेक करते हैं रायते के साथ कैसा मजा है। दोस्तों रायते के साथ तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है, ठीक है। आप पुलाव जब भी खाएं साथ रायते का इस्तेमाल लाजमी करें। तो सियालकोटियो पुलाव इतने मज़े का था कि तीसरी प्लेट पे आके ना मेरी बस हो चुकी है, ठीक है। और ये थोड़े बहुत प्लेट में चावल पुलाव बच चुका है, ठीक है। मैं आपको वो पुलाव दिखाता हूँ, ये देखें इतना मैंने, ये तीसरी प्लेट थी मेरी। और अब पानी पीते हैं और इंशाल्लाह दुकान पे जाके आपको आगे की रूटीन बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आपने आज इस वीडियो के नीचे जो मैं बना रहा हूँ लंबी लंबी छोड़नी है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है। आज आपने इस वीडियो के कमेंट के नीचे लंबी लंबी छोड़नी है, ठीक है, कमेंट लाजमी करना। तो दोस्तों अंडों का स्टॉक आ चुका है, मैं आपको अंडे दिखाता हूँ और अंडे का रेट भी बताता हूँ, ठीक है, कि एक अंडा कितने का है, एक ट्रे कितने की है और एक दर्जन कितने के हैं और 6 अंडे कितने के हैं। तो दोस्तों ये है अंडे, 9000 की पेटी आई है, एक ट्रे हमें पड़ चुकी है 750 रुपये की और एक अंडा है जनाब 2500 रुपये का जो हमें पड़ा है, ठीक है। 310 रुपये के हम करेंगे दर्जन सेल और 6 अंडे 160 रुपये के और एक अंडा कम से कम 2700 रुपये का और 2 अंडे हम देंगे 55 रुपये के, ठीक है, यानी 55 रुपये के हम 2 अंडे देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जनाब हमारे पास बादाम का स्टॉक आ चुका है, ये देखें ये बादाम अमेरिकन बादाम है, ये चेक करें बादाम की क्वालिटी, 2700 रुपये के किलो आपको मिलेंगे, ठीक है, 2700 रुपये के किलो। एक भी बादाम कड़वा नहीं हो सकता जनाब, इस चीज़ की गारंटी है, ये चेक करें बादाम की क्वालिटी। दूसरा जनाब ये हमारे पास आ चुका है मीठा सोडा, जो है जनाब 150 रुपये का किलो और आधा किलो बन गया जनाब 75 रुपये का आधा किलो और 3800 रुपये का पाव बन गया मीठा सोडा। इसको आप पकौड़ों में भी डाल सकते हैं, समोसों में भी डाल सकते हैं और केक वगैरह बनाना जो बनाते हैं आप उसमें भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मीठा सोडा। गोदाम में गया हुआ था, उधर एक पेटी ऊंचाई पर थी तो वो मैंने फाड़नी थी, मैंने मुक्का मारा, लगना पेटी को चाहिए था, लग लोहे को गया, तो ये देखें देखें मुझे जख्म हो गया, ये देखें डर गया, ये देखें ये जख्म हो गया मुझे, ये देखें और बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है उंगली को।